ब्राउन और येलो वाले कैपेसिटर भी, जैसे ये ब्राउन है ये येलो, वीडीआर भी हटाने पड़ेंगे शॉर्ट होने पर, बाई डायरेक्शनल टीवीएस डायोड भी हटाने पड़ेंगे शॉर्ट होने पर, ये जिसमें 8 लिखा हुआ है ये डायोड भी हटाने पड़ेंगे शॉर्ट होने पर, ट्रांजिस्टर भी हटाना पड़ेगा शॉर्ट होने पर। हेलो स्टूडेंट्स, एक इन्फो के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो हमने बनाया था क्या बीप देने वाले कंपोनेंट शॉर्ट होते हैं, और ये वीडियो उसके नेक्स्ट वीडियो है। आप लोग पिछला वीडियो देख के ये वाला वीडियो देखिएगा। है तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक और सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है, क्योंकि उन लोगों को कंपोनेंट की आइडेंटिफिकेशन ही नहीं पता कि कंपोनेंट दिखने में कैसे होते हैं और कौन से बीप देने पे शॉर्ट होते हैं, कौन से बीप देने पे ओके होते हैं। तो जो हमारा पहले वाला वीडियो था उसमें बीप देने पे सही कंपोनेंट थे, और आज हम बात करने वाले हैं कि जो बीप देने पर शॉर्ट होते हैं। तो मोस्टली हम सारे कंपोनेंट इसमें कवर करेंगे जो बीप देने पर शॉर्ट होते हैं, सिर्फ आईसी को छोड़ के, रेगुलेटर को छोड़कर। तो अब बीप देने वाले वही कंपोनेंट होंगे जो शॉर्ट होंगे जिनमें दो अलग अलग चीजें यूज हुई हैं, या आप ये समझ सकते हैं कि प्लस और माइनस यूज हुआ है, या दो ऐसे मेटल यूज हुए हैं जिनका कॉन्टेक्ट आपस में पहले नहीं था, बाद में फोन के अंदर कुछ ऐसा हो जाने से वो शॉर्ट हो चुके हैं। तो हम सारे कंपोनेंट इसमें कवर करेंगे, इवन अगर एक कंपोनेंट दो तरह का दिखता है तो हम उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। ज्यादा डिटेल में तो नहीं हो पाएगा, वीडियो काफी बड़ा बन जाएगा। दूसरी बात ये कि फोन के अंदर वो कंपोनेंट शॉर्ट कैसे होते हैं। तो शॉर्ट होने का रीजन ये है, फोन में वोल्टेज ज्यादा आ जाना, एम्पियर का ज्यादा आ जाना, या फिर आईसी वोल्टेज एम्पियर ज्यादा देना, या फिर फोन वाटर डैमेज था तो इस वजह से वो शॉर्ट हो गए। क्योंकि जब वाटर डैमेज फोन होता है तो हम उसकी साफ सफाई करके हल्की हीट देते हैं, तो इसकी वजह से छोटे छोटे कंपोनेंट में कहीं पे इफेक्ट पड़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला कंपोनेंट है कैपेसिटर। कैपेसिटर में दो मेटल होते हैं अलग अलग, वो बीप देने पर शॉर्ट होते हैं क्योंकि दो मेटल आपस में टच हो जाते हैं। जो बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है वो उन दोनों मेटल को क्या कर देता है, हट के टच हो जाता है। जैसे सपोज दैट दो सिल्वर फॉइल है और बीच में इंसुलेटर है या डाइलेक्ट्रिक है, तो वो डाइलेक्ट्रिक हट गया तो दोनों मेटल क्या हो जाएंगे, आपस में टच हो जाएंगे और वो शॉर्ट हो जाते हैं। दूसरा, अगर बात करें वीडीआर, तो वीडीआर एक काफी ज्यादा वैल्यू का रेजिस्टर है, वो भी अगर आपस में बीप देने लगा तो वो शॉर्ट हो जाते हैं। तीसरे कंपोनेंट की बात करें डायोड, तो डायोड में प्लस माइनस होता है, पी टाइप और एन टाइप उसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होते हैं, तो अगर वो दोनों आपस में टच हो गए तो डायोड शॉर्ट हो जाते हैं। इसके बाद इसी की एक वैरायटी है टीवीएस डायोड, तो टीवीएस डायोड में भी अगर यूनिडायरेक्शनल टीवीएस डायोड है तो उसमें भी प्लस माइनस शॉर्ट हो जाते हैं लाइक एस डायोड, और अगर बाई डायरेक्शनल टीवीएस डायोड है तो उसमें दो डायोड है, अगर दोनों डायोड आपस में शॉर्ट हो गए तो भी डायोड शॉर्ट है। एक और कंपोनेंट की बात करते हैं जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। तो अगर ट्रांजिस्टर के तीन अलग अलग टर्मिनल होते हैं, एमीटर बेस कलेक्टर, अगर वो तीन टर्मिनल में एमीटर और कलेक्टर दो शॉर्ट हो गए तो भी ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाते हैं। बेस तो स्विच है, वो शॉर्ट होने का चांस ही नहीं, बट एमीटर और कलेक्टर आपस में शॉर्ट हो गए तो ट्रांजिस्टर शॉर्ट। एक और लास्ट कंपोनेंट है जिसका नाम है मॉसफेट। तो मॉसफेट कैसे शॉर्ट होता है, मॉसफेट में भी तीन टर्मिनल है, एक है ड्रेन, दूसरा सोर्स और तीसरा है गेट। तो इसमें क्या होता है, ड्रेन और सोर्स के बीच में डायोड लगा होता है, तो अगर वो डायोड शॉर्ट तो पूरा मॉसफेट शॉर्ट हो जाता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम आपको कंपोनेंट की आइडेंटिटी भी बताते जाएंगे और बताएंगे कि ये कंपोनेंट है, इसके शॉर्ट होने पर फोन से फौरन इसे हटा दें, हो सकता है आपकी 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और डेड हुआ फोन ऑन हो जाए, क्योंकि अगर मेन लाइन में होगा तो फोन को ऑन कर सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे रुपए कमाए जा सकते हैं क्योंकि ये फोन को ऑन कर सकता है मेन लाइन में लगे हुए होने की वजह से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वीडीआर की। स्टूडेंट देखिए, अभी हमने इसमें स्क्रीन पे दिखाया हुआ है वीडीआर, तो ये वीडीआर सेम एज क्वाइल जैसा दिखता है। तो अगर ये वीडीआर हुआ तो पहली बात इसे क्वाइल ना समझें, क्वाइल वीडीआर में कैसे डिफरेंस समझेंगे।
तो इसके लिए आपको स्कीमेटिक डायग्राम या फिर सर्किट के अनुसार पहचानते हैं। अगर आप बोलेंगे, कमेंट करके बताएंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तो हम VDR टॉपिक पे एक वीडियो अलग से बना देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये VDR अगर है और शॉर्ट हो गया है तो ये बजर रेंज पे बीप देगा। तो अगर ये VDR है और बीप दे रहा है तो फौरन इसको हम PCB से निकाल देंगे। हालांकि अब ये फोनों में काफी कम आते हैं, ना के बराबर, लेकिन इन केस अगर किसी मॉडल में मिल जाता है और शॉर्ट है तो आपको इसे हटाना होगा। मगर यदि क्वाइल है उसे आपने हटा दिया तो लाइन ब्रेक हो जाएगी, तो इस बात का याद रखिएगा। उसके बाद हम पोलराइज्ड कैपेसिटर की बात करते हैं। तो देखिए, ये पोलराइज्ड कैपेसिटर दो तरीके के होते हैं, एक येलो कलर और ब्राउन पट्टी। तो ये जो ब्राउन पट्टी वाला है ये इसका प्लस है और येलो वाला माइनस है। तो अगर इसके दोनों कॉर्नर आपस में बीप देते हैं तो भी ये शॉर्ट है, PCB से निकालने पर काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट बीप नहीं दे रहा है, इट मींस ये ओके है। एक पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है ब्लैक कलर का और इसमें व्हाइट पट्टी होती है वन साइड। ये व्हाइट पट्टी वाला होते हैं प्लस और ब्लैक वाला माइनस। तो आगे देखते हैं इसको पलट के, इसके पीछे दो कॉर्नर है, अगर ये आपस में बीप देता है तो भी इसको PCB से हम निकाल देंगे, बट इसने बीप नहीं किया, इट मीन्स ये भी ओके है। अब आगे बात करते हैं हम, जो आजकल के फोनों में ये येलो और ब्लैक वाले पोलराइज्ड कैपेसिटर नहीं आते, इनकी जगह ले ली है ब्राउन या येलो कलर के, जो छोटे साइज के नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर हैं, वही पोलराइज्ड कैपेसिटर का काम करते हैं। तो देखिए, जैसे ये बड़े साइज का है तो ये हल्की सी उस सेकंड के लिए बीप करें, इट मींस ये ओके है, बट कॉन्टिन्यूसली दोनों साइड से बीप करें तो ये शॉर्ट हो गया है, इसे हटाना पड़ेगा बोर्ड से। ये देखिए, हल्की सी बीप आई, इट मींस क्या है, ये ओके है, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूसली ये बीप देता तो ये क्या होता, शॉर्ट होता। अब देखिए, ये साइज में थोड़ा छोटा है, या इससे लाइट ग्रे कलर का एक कैपेसिटर आता है, ये देखिए लाइट ग्रे कलर का कैपेसिटर है, दोनों साइड सिल्वर पट्टी। ये काफ़ी सारे टेक्नीशियन या स्टूडेंट नहीं जानते हैं कि ये कैपेसिटर होता है, या अगर कैपेसिटर जानते हैं तो ये नहीं जानते इसी से मिलता जुलता वाइट कलर का क्वाइल होता है। तो ये जो थोड़ा सा ग्रेइश टाइप का होता है ये आपका कैपेसिटर है, और अगर ये बीप दे जाए तो ये क्या होते हैं, शॉर्ट। तो देखिए, ये बीप नहीं दे रहा है, बट स्टूडेंट एक चीज याद रखिएगा, अगर बोर्ड में लगे हुए ये बीप देते हैं तो ये जरूरी नहीं शॉर्ट है, इन्हें एक बार बोर्ड से रिमूव करके कंफर्म कर ले कि ये शॉर्ट है भी या नहीं। तो ये था लाइट ग्रे वाला कैपेसिटर। अब आगे हम बात करते हैं डायोड की। ये डायोड है, इसका भी एक सिरा प्लस माइनस होता है, अगर ये बीप देते हैं तो ये भी शॉर्ट होंगे, बट ये बीप नहीं दे रहा है। तो अब डायोड के दूसरे टाइप की बात करते हैं, TVS डायोड। TVS डायोड में भी दो टाइप होते हैं, यूनिडायरेक्शनल और बाईडायरेक्शनल। तो ये देखिए यूनिडायरेक्शनल है, आप साइज देख पा रहे हैं, इसका साइज बड़ा होता है बाईडायरेक्शनल के कंपेयर में, और देखिए बैक साइड में इसके कॉर्नर होते हैं, तो ये अगर बीप देगा तो ये भी क्या होगा, शॉर्ट। बट इसने बीप नहीं दिया। अब हम बात करते हैं बाईडायरेक्शनल TVS डायोड की। तो देखिए, यूनिडायरेक्शनल बाई से थोड़ा छोटा है, और ये बैक साइड जब रखा तो इसके कॉर्नर दिखते हैं, तो ये इसको भी चेक कर लेते हैं कि बीप दे रहा है या नहीं। तो
तो ये बीप नहीं दे रहा है। एक्चुअली सारे कंपोनेंट सही बोर्ड से निकाले गए हैं, इसलिए जनरली ये सारे सही हैं। अगर खराब बोर्ड के होते तो उसे लोग फेंक देते हैं शॉर्ट होने पर, रखने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर की। तो ट्रांजिस्टर में आप देख लीजिए, अगर कोई भी दो टर्मिनल आपस में बीप देते हैं तो ये क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, बट ये ट्रांजिस्टर सही है। ठीक है, ट्रांजिस्टर मॉस्फेट कुछ ऐसा भी होता है, तो इसमें हम देखेंगे कि कोई दो टर्मिनल बीप नहीं देने चाहिए, बट मिड वाला तो पहले से ही शॉर्ट होता है, बाकी के बीप नहीं देने चाहिए। मलट पलट के देख लेते हैं, नहीं बीप दे रहा, इट मीन्स ये ओके। अब एक लास्ट कंपोनेंट बचा है जिसका नाम है मॉस्फेट, ये भी देख लेते हैं शॉर्ट है या नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, ये ड्रेन है सिंगल वाला और ये है सोर्स, इन दोनों के बीच में डायोड लगा होता है, अगर बीप दिया तो ये क्या है, मॉस्फेट खराब। लेकिन याद रखिएगा उस समय गेट डिस्चार्ज होना चाहिए, अगर कुछ सेकेंड के लिए बीप दे रहा है चार्ज होने के बाद तो ये तो इसका क्वालिटी है, बट डिस्चार्ज होने के बाद भी कॉन्टिन्यूसली बीप दे रहा है, इट मीन्स कि मॉस्फेट शॉर्ट हो चुका है। तो आई होप कि आपको कंपोनेंट की भी कुछ आइडेंटिफिकेशन आई होगी समझ में। मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का सिर्फ शॉर्ट कंपोनेंट की झलक दिखाना। तो आइए एक बार बोर्ड में भी रिवाइज कर लेते हैं कि कंपोनेंट कौन कौन से शॉर्ट होने पर हमें बोर्ड से निकाल के हटाने पड़ेंगे। ब्राउन और येलो वाले कैपेसिटर भी, जैसे ये ब्राउन है ये येलो, VDR भी हटाने पड़ेंगे शॉर्ट होने पर। बाई डायरेक्शनल TVS डायोड भी हटाने पड़ेंगे शॉर्ट होने पर। ये जिसमें 8 लिखा हुआ है ये डायोड भी हटाने पड़ेंगे शॉर्ट होने पर। ट्रांजिस्टर भी हटाना पड़ेगा शॉर्ट होने पर। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जल्दी मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।